हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का चेंज ऑफ मेथड का एक और इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस। और लास्ट इलस्ट्रेशन जो हमने प्रैक्टिस की थी उसमें था SLM टू WDV में हम शिफ्ट हो रहे थे, बट आज के इलस्ट्रेशन में क्या है कि हम WDV से SLM पे शिफ्ट होंगे तो क्या होगा। इस वाले इलस्ट्रेशन में काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कंपनी का उसका डेबिट बैलेंस है 1,47,390 रुपीस का 1 अप्रैल 2019 को। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बुक वैल्यू गिवन है, यानी कि WDV हमें पता है कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में बैलेंस BD कितना है। हमें यहाँ पे एसेट की कॉस्ट नहीं पता। द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2016 एंड हैज बीन फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग फुल ईयर डेप्रिसिएशन एवरी ईयर ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस एट 15%। तो देखिए, 2016 में ही कंपनी जो थी वो इनकॉर्पोरेट हुई थी और तब से उनकी प्रैक्टिस है कि वो डिमिनिशिंग यानी कि WDV मेथड से अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और 15% के रेट से करते हैं। इन 2019 इट वॉज हाईवर डिसाइडेड टू चेंज द मेथड फ्रॉम डिमिनिशिंग टू SLM। अब उन्होंने बोला कि 2019 में उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने मेथड को चेंज करना चाहते हैं फ्रॉम WDV टू SLM, तो WDV से वो SLM पे शिफ्ट होना चाहते हैं। एंड टू गिव इफेक्ट टू द चेंज वेल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020। अब जो हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करना है उसमें जो चेंज आएगा डेप्रिसिएशन में वो कब आएगा, 31st मार्च वाले में। यानी कि इससे पहले तो जो हम नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाते थे WDV मेथड से वही लगाना है, बट जब हम 2020 का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हमें न्यू मेथड से लगाना है जो है SLM। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेनिंग सेम, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहेगा जो कि 15% ही है। एंड 1920 में कौन न्यू मशीनरी परचेज की है जिसकी जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपीज है। ऑल अदर मशीन्स वर एक्वायर्ड इन 1617, तो बाकी की जितनी मशीन्स थी वो हमने 2016-17 में ही ली थी, यानी कि जब हमारी कंपनी जो थी वो इनकॉर्पोरेट हुई थी तब से हमारे पास वो मशीन्स हैं। हमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है 1617 से लेकर 1920 तक का, तो हमें 3 साल के अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन थी वो मैंने नोट डाउन कर ली है कि बैलेंस BD जो है हमारी एसेट का वो है 1,47,390 रुपीज 1 अप्रैल 2019 को। डेप्रिसिएशन हम WDV से लगाते हैं 15%, और एक न्यू मशीन हमने परचेज की है 50,000 रुपीज की 1920 में कह रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा साइलेंट है कि हमने कब हमारी डेट ऑफ परचेज है, तो आप इसमें वर्किंग नोट पे लिख सकते हैं, वर्किंग नोट बनाकर नीचे नोट डाल सकते हैं कि इट इज अज्यूम दैट द एसेट इज परचेज ऑन द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो हम उसे अज्यूम कर रहे हैं कि वो 2019 को ही हमने बिगनिंग में परचेज किया होगा। तो आप नोट नीचे डाल के उस पर स्टार बना देंगे कि हाँ, हमने इसको नोट में अजम्पशन लेके काम किया है। अब देखिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता है कि हम WDV से लगा रहे थे, लेकिन उसने हमें बोला है कि हमें जो अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं वो 16-17 से प्रिपेयर करने हैं, और उसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ एसेट चाहिए होगा। तो कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे रिवर्स मेथड लगाएंगे। तो हमें बैलेंस पता है लेकिन हमें कॉस्ट नहीं पता, तो हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो ये काम अब जब स्कूल में थे तो करके आए होंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स, तो जो भी हमने एसेट्स परचेज की है उनके लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने वर्किंग नोट में स्टार्ट कर दिया है। तो मान लीजिए, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट, उसका कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया कि 100 रुपीज था, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, अब देखिए कॉस्ट प्राइस कौन सी डेट पे होगा, तो हमारा ये जो डेट है मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, आप इसे 1 अप्रैल 2016 को मान लेना कि 1 अप्रैल 2016 को 100 रुपीज की हमने एक एसेट परचेज की। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 15% पर एनम, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, 15 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मेरे पास एसेट आ जाएगी 85 रुपीज की, और ये कौन सी डेट को आ गई, बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2017 को बैलेंस आ गया 85। अगेन डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि WDV मेथड है, तो 85 रुपीज पे लगेगा 15%, तो इसके ऊपर 15% लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 रुपीज 75 पैसा। अब इसमें से इसको लेस कर देंगे तो वी आर लेफ्ट विथ 72 रुपीज एंड 25 पैसा, और ये कब की डेट आ गई, बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2018 का बैलेंस आ गया। अब फिर से हम एक और साल के लिए डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं 15%, तो अब इसी का 15% हम फिर से निकालेंगे, तो इसका 15% निकालेंगे तो आ जाएगा 10 रुपीज 8375। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 61 रुपीज 44125। सो दिस इज द वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019। अब देखिए, ये तो सब कुछ आता है करना कि हमने अजम्पशन लेके किया जिस तरीके से हम स्कूल में करते आते थे। अब हम लगाएंगे जो हम एक यूनिटरी मेथड हम स्कूल में लगाते थे कि अगर हमारी कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज थी तो उसकी बैलेंस BDI कितनी, 61 रुपीज 4125 पैसा।
तो अगर उसकी बुक वैल्यू जो उसकी बुक वैल्यू है अगर वो इतनी होती तो कितनी उसकी कॉस्ट होती। तो ये चीज आप स्कूल में करके आए हैं। सो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा इससे, कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट्स। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 240,000 रुपीज। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी एसेट्स थी उनकी ओपनिंग वैल्यू जो रही होगी, कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो 100 नहीं जबकि 240,000 रहा होगा। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम मशीन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखिए मैंने मशीन अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया है। अब हमें 2016 से अपना अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो 2016 एंड 2016 मैंने डेट डाल दी है क्योंकि हमने 2016 के बिगनिंग में ही जब हमने एसेट्स को खरीदा था तो 1 अप्रैल 2016 को क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री आ जाएगी क्योंकि हमने एसेट को परचेज किया होगा। कितने का परचेज किया होगा, 240,000 रुपीज का परचेज किया होगा। तो 240,000 रुपीज, और उस साल हमने कोई और एंट्री नहीं की तो पूरे साल एंड होने के बाद हमने क्या क्या होगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इस वैल्यू का क्योंकि WDV है तो इस वैल्यू का हमारा 15% डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, तो आ जाएगा 36,000 रुपीज। अब इसी डेट पे हमारा बैलेंस CD हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि कोई और एंट्री तो हमारी हुई नहीं है। तो 204,000 रुपीज हमारा बैलेंस आ जाएगा और अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा 240,000 रुपीज। इसके बाद फिर अगर नेक्स्ट ईयर आएगा 2017, और 1 अप्रैल 2017 को जो हमारा CD था वो हमारा बैलेंस BD बन जाएगा कितना, 204,000 रुपीज। और उस साल भी हमने कोई और ट्रांजेक्शन नहीं की तो हम सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। अब WDV है तो इसका लगेगा 15%, तो इसका 15% कैलकुलेट करेंगे तो 30,600 आएगा, और क्योंकि कोई और ट्रांजेक्शन नहीं हुई है तो हमारा बैलेंस CD आ जाएगा सीधा। फिर नेक्स्ट ईयर ले लेते हैं हमारा 1 अप्रैल 2018, ये जो बैलेंस CD है ये हमारा बैलेंस BD बन जाएगा और ये आ जाएगा 173,400। और इस साल भी हमने कोई और एंट्री नहीं की है तो हमारा ये बैलेंस जो है इस पर डेप्रिसिएशन लगा देंगे अपनी एसेट के ऊपर, और अब इसका 15% लगाएंगे तो ये आ जाएगा 26010। और फिर हम बैलेंस CD अपना कैलकुलेट कर लेते हैं, 147,390, और हमारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। अब हमारा मेन काम आता है कि हमें करना था 1 अप्रैल 2019। इस साल में मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमारा जो भी कॉस्ट ऑफ हमारा जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, हम उसे चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बैलेंस BD उतार लेती हूँ। बैलेंस BD है 147,390। अब देखिए इसी साल में हमने एक और एसेट परचेज की है, तो क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है कि हमने कौन सी डेट पे परचेज किया है, तो आई एम अज्यूमिंग कि हमने सेम डेट पे एसेट को परचेज किया होगा। तो मैं बैंक अकाउंट से इसकी एंट्री डाल देती हूँ कि एसेट हमने 50,000 रुपीज का परचेज किया है। क्वेश्चन में 50,000 रुपीज की हमने एसेट परचेज की थी, तो 50,000 की मैंने एसेट डाल दी है। अब आता है यहाँ पे मेन काम जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है कि हमारे जो डेप्रिसिएशन चेंज किया है वो WDV से हम SLM पे शिफ्ट हो गए। WDV पे जब हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन तो हम अपनी बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, और जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे कैलकुलेट करते हैं तो हम अपनी कॉस्ट प्राइस के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन माइंड में ये आता है कि मैम हम SLM पे शिफ्ट हो रहे हैं तो हमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहिए वो हमें 240,000 पे कैलकुलेशन होना चाहिए, ना कि 1,47,390 पे होना चाहिए। तो या इस पे कैलकुलेट करें या इस पे कैलकुलेट करें, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, और इसी कंफ्यूजन के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अगर आप 240,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आप ये बताइए कि मान लीजिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, मैं मान लेती हूँ 15 नहीं है, मान लीजिए 10% है, तो आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन के अंदर कोई नंबर ऑफ ईयर्स हमें नहीं पता, लाइफ कितनी है या फिर सैलवेज वैल्यू कितनी है। हम अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन तब तक लेते रहते हैं, तब तक क्लेम करते हैं डेप्रिसिएशन जब तक बुक वैल्यू एसेट की जीरो ना हो जाए। तो जब तक जीरो नहीं होते हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। अगर आप इस एसेट का डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे 10% के अकॉर्डिंग तो आपको 10 इयर्स लग जाएंगे इसकी पूरी वैल्यू खत्म करते करते। मैंने क्या बोला कि अगर आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे 10% SLM के अकॉर्डिंग तो आपकी पूरी बुक वैल्यू जो है वो पूरा कॉस्ट प्राइस आपका 10 साल में राइट ऑफ होगा। तो यानी कि 10 साल तक आप इसका डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहेंगे तो हर साल 24,000 क्लेम करेंगे, 10 साल के अंदर आपका पूरी बुक वैल्यू जो है वो नील हो जाएगी। अब गवर्नमेंट ये कहती है, एक बात बताओ, तुम 10 साल में डेप्रिसिएशन ले रहे हो तो फिर अभी तक जो तुम डेप्रिसिएशन ले रहे थे ये क्या था, मैंने ये डेप्रिसिएशन किस लिए दिया था? तुम तो आ गए, अब तुमने बोल दिया SLM पे लगाना है तो भाई SLM तो इसके ऊपर लगता है।
तो जो तू अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज करते आए हो मुझसे 3 साल में, फिर ये किस बात का डेप्रिसिएशन है? तो इसीलिए चाहे आप SLM से WDV पे शिफ्ट हो या WDV से SLM पे शिफ्ट हो, हमेशा डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा वो हमारा बुक वैल्यू पे होगा, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। क्योंकि अभी तक जो हमारी पास्ट में जो हो गया वो हो गया, पास्ट इज अ हिस्ट्री, अब आप उसे भूल जाओ जो आप करते थे, जो आपने किया। तो ये प्रोस्पेक्टिव में क्या बोला जाता है कि आपने SLM पे निकालना है तो भी इसी पे निकलेगा, WDV पे निकालना है तो भी इसी पे निकलेगा, बैलेंस BD पे, ना कि आपकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। सो आई होप आपको डाउट जो था कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि हमने 2,40,000 पे क्यों नहीं निकाला। ठीक है, तो अब आप इसका निकालेंगे 15%, तो ये 15% कैलकुलेट करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 22,109, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 15% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7,500 रुपीज, और ये मेरा आ गया 31 मार्च 2020। तो इन दोनों डेप्रिसिएशन का अमाउंट टोटल करके मैं बाहर लिख देती हूँ, दैट इज 29,609, और इसकी टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस CD आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बैलेंस CD में लिख देती हूँ 167,781। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना था। बस क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम क्या थी कि SLM के ऊपर हम हमेशा इस पे लगाते हैं, लेकिन आपने क्या ध्यान रखना है कि चाहे SLM टू WDV हो या फिर WDV टू SLM हो, हमेशा आपने इसी के ऊपर कैलकुलेट करना है। क्योंकि 22,40,000 पे कैलकुलेट करोगे तो भैया ये सारा डेप्रिसिएशन का क्या हुआ? तो अभी तक आपने 3 साल तक डेप्रिसिएशन क्लेम किया है वो तो फालतू में किया, अब आप दोबारा से 240 पे कर रहे हो। तो आई होप आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।